प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इससे पहली वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। करा द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए प्लस बी एंड ए प्लस बी पूरे की पावर 2। अब इसमें हमसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करूं, थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है? तो आप कहोगे थर्ड प्रोपोर्शनल की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? बी की पावर 2 अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। अब अगर बी स्क्वायर अपॉन ए होता तो इसमें बी क्या होगा? तो आप कहोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका भी स्क्वायर होगा अपॉन ए प्लस बी। ठीक। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो अगर पावर ब्रैकेट में होती है तो उसका आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो आप यहां पे लिखोगे ए प्लस बी पूरे की पावर 4 अपॉन, यहां क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक, बातें क्लियर है। अब जब किसी भी नंबर का बेस इक्वल हो और उनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर उनका आपस में डिवाइड किया जाता है तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, बेस इक्वल है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर कितनी होती? 1 होती है। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी पूरे की पावर 4 माइनस 1, वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी पूरे की पावर 3। ए प्लस बी पूरे की पावर 3। तो ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ टू ब्रैकेट में एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 एंड एक्स माइनस वाई। यहां भी हमसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो फार्मूला वही बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे बी क्या है? तो आप कहोगे कि एक्स माइनस वाई, अब इसका स्क्वायर अपॉन ए। क्या है? तो आप कहोगे एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। अब अगर इसे सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी एक्स माइनस वाई। नीचे क्या बनेगा? तो आप कहोगे एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसे अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा एक्स माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ऑप्शन आपका ए। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है ना? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। करा द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8+4 √3 एंड 6 -3 √3 √2। अब यहां से हमें मीन प्रोपोर्शनल की बात करनी है। इस क्वेश्चन में हमसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो आप कहोगे अंडर रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो आप कहोगे कि अंडर रूट में ए बी। अब ए यहाँ पे क्या है? तो 8+4 √2 और बी क्या? 6 -3 √2। अब इनका आपस में क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तो देखो ध्यान से मेरी बात समझना, ये 8+4 √2 और ये है 6 -3 √2। ठीक। अब देखो
8 में 6 का मल्टीप्लाई करो कितना 48 प्लस 8 का 3 अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 अंडर रूट 2। ठीक, अब 6 का 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 24 अंडर रूट 2, और 3 अंडर रूट 2 का 4 अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 3 12 और 12 दूना 24 माइनस 24। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये होगा अंडर रूट में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का। अब 48 में से 24 माइनस करेंगे वैल्यू आ जाएगी 24। अब 24 को सिंपलीफाई करेंगे तो वैल्यू यहाँ से आएगी 2 अंडर रूट में 6। तो ऑप्शन सी, इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, 2 अंडर रूट में 6। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। करा कृष्णा हैज फ्यू क्वाइंस ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे इन द रेशियो 1/4:1/2:1/2। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन इज 100, देन द टोटल अमाउंट विथ कृष्णा। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कृष्णा के पास टोटल अमाउंट कितना था। तो चलिए पहले रेशियो निकालते हैं। अब देखो रेशियो दे रखा 1/4, 1/2 और 1/2। यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें तो इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 4। तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ रेशियो हमारा आ जाएगा 1:2:2। ये क्वाइन का रेशियो आ गया, कितने का आ गया, किसका आ गया, क्वाइन का। अब मतलब सिक्के उनके पास कितने हैं, किस रेशियो में, 1:2:2। अब कह रहा कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं वह संख्या में कितने, 100। तो अगर रेशियो में 2 है, संख्या में 100 है, तो मतलब इसी 2 की वैल्यू कितनी, 100। ये इसका कितना गुना है, तो आपको 50 गुना, तो इसका भी तो 50 गुना होगा, तो इसका 50 गुना हो जाएगा तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, और इसका भी 50 गुना हो जाएगा तो यहाँ भी 50 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गए हमारे सिक्के की, मतलब 1 के सिक्के कितने हैं 50, 2 के सिक्के कितने, सॉरी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 100। अब अगर आपके पास 1 रुपये के 50 सिक्के हैं तो कितना होगा, 50 रुपये। अब आपके पास 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो मैं पूछूं आपसे कितने रुपए होंगे, तो आप कहेंगे 50 रुपए। और यहां पे 25 पैसे के 100 सिक्के हैं, मैं आपसे पूछूं कितने रुपए होंगे, तो आप कहेंगे 25। कितने होंगे, 25। टोटल अगर इनका मैं सम करूं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 125। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अगर ये किसी को डाउट हो कि ये पैसे, ये जो सिक्के, सिक्के से रुपए में कैसे कन्वर्ट हुए, तो अब समझ लेना, वो भी बातें क्लियर करते चलो। अब 1 रुपए के सिक्के हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कितना, 50। यहाँ कितना होगा, 50। अब 50 पैसे की अगर रुपए में वैल्यू देखी जाए तो कितनी होगी, तो आप कहोगे 1/2। इसे कैंसिल करोगे तो यहां से भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, और 25 पैसे के रुपए में वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 1/4। यहां से सिंपलीफाई करोगे तो यहां से 25 रुपए आ जाए। यही बात हमने यहां पे क्या डायरेक्ट लिख दी है, यही बात हमने क्या लिख दी है, डायरेक्ट 50 रुपए 50 रुपए और 25 रुपए, टोटल कितने आ गए, 125। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है ए बैग कंटेन्स ₹3000, द नोट्स ऑफ विच आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, ₹100 and ₹10। इफ द नोट्स ऑफ ₹100, ₹50 and ₹10 आर इन द रेशियो ऑफ 5:8:10, देन द नंबर ऑफ
द नोट्स ऑफ रुपीज 50 इन द बैग विल बी, मतलब हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 50 रुपये के कितने नोट बैग में थे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, करा ये बैग 3000 रुपीज, मतलब उसमें 3000 रुपये हैं, और करा 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट हैं। अगर 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये का अनुपात 5, 8, 10 है तो बैग में 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अगर 100 के नोट का रेशियो कितना है 5, अगर किसी रेशियो से वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसके साथ हम वेरिएबल लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं वेरिएबल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x, यहाँ से आ जाएगा 500x। ठीक, अब यहाँ पे 50 है की नोट की बात किया जाए तो कितने हैं, तो 8x, यहाँ से हो जाएगा 400x, और यहाँ पे 10 के नोट की बात कितनी है 10, तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो 10x, तो ये हो जाएगा 100x। अब इन तीनों का सम कितना दे रखा है 3000, तो 5, 4, 9, 1, 10, मतलब 1000x बराबर 3000, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 3 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। मतलब उस बैग में अगर मैं 100 की नोट की बात करूँ तो 15, 50 की नोट की बात करूँ तो 24, और 10 की नोट की बात करूँ तो 30। ठीक, अब आपसे चाहे जिसका पूछे, अगर आपसे 100 का पूछे तो 15 बता देना, 50 की पूछे तो 24 बता देना, 10 की पूछे तो 30 बता देना। अब आपसे क्वेश्चन में किसका पूछा 50 का, क्वेश्चन में किसका पूछा 50 का, तो 50 के कितने नोट हैं 24, तो ऑप्शन कौन सा सी, ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कुछ 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रुपये बनाते हैं, 93 रुपये, 75 पैसे और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों से संबंधित संख्या 3:4:5 के अनुपात में है, तो क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसका आंसर 1 सेकंड में दिया जा सकता है। कैसे, अब अगर सिक्का पूछा तो अब यहाँ पे देखो, अगर जो भी सिक्का होगा वह 3 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा और 5 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस ऑप्शन में आपको 47 दे रखा है, क्या दे रखा है 47, ये 5 का मल्टीपल नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ भी 47 दे रखा है, ये भी 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता, ये होता ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 57 दे रखा है, ये भी 5 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा कौन सा ऑप्शन बी, क्योंकि ये 75 क्या होता 5 का मल्टीपल होता। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बस सेकंड में आंसर दे सकते हैं, अगर आपका डिटेल में करने का मन है तो करके भी देख लीजिए। देखिए 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 3, तो हम कहते हैं ये मान लो 3x हो गया। ठीक, 50 पैसे कितने 4, तो 4×50 पैसे को अगर रुपये में कन्वर्ट करके ना 1/2 प्लस 25 पैसे कितने 5, तो 5×x/4। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो इसे कैंसिल होगा 2 बार में, तो ये 3x+2x, इसे सिंपलीफाई करें तो आएगा 1.25x, यहाँ से आ जाएगा 6.25x इक्वल टू कितना रुपया दे रखा है, तो आप कहोगे 93.75। ठीक, अब इसी को हमें सिंपलीफाई करना, अब सिंपलीफाई करना तो देखो ये डेसिमल यहाँ से और ये कैंसिल हो गया, अब ये 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 बार में,
और ये 25 से कैंसिल, 25 तिया 75, कितना बचा 18, 187, 25 सत्ते 175, कितना बचा 12, 25, 25, 25, 125, ठीक। अब 25 से कैंसिल करो तो 25 एक कम 25, यहाँ बचा 12, 5, 125, 25, 25, 125, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हमसे सिक्कों की संख्या पूछा ना, तो देखो 3 में 15 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 75, सॉरी 145 ना 45। 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। तो 45, 60, 75 ऑप्शन कौन सा बी, ऑप्शन कौन सा बी। मन हो तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बातें क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर जब 11, 14, 31 और 38 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में होती हैं, फिर यदि 3x इज टू वाई प्रपोर्सन वाई इज टू 8x माइनस 5 तो y ग्रेटर देन 0, तो y का मान पूछ रखा है। अब इसमें से हमसे कह रहा है कौन सी संख्या मतलब ऐड की जाए, जोड़ी जाए कि ये रेशियो में आ जाए। तो इसमें संख्या जोड़ने की बात कर रहा है, तो 11, 14, 31, 38 क्या जोड़ दें 1, नहीं 2, 3, 4। अगर इसमें हम 4 जोड़ दें, 4 को ऐड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। देखो कैसे, 11 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 15, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 18, इधर तो 31 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 35 और 38 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 42, ठीक। अब यहाँ देखो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ देखो 5 से ये 3 बार में, नहीं 5 से नहीं 3 से, 3 से ये 5 बार में और 3 से ये 6 बार में, देखो ये 7 से 5 बार में और ये 7 से 6 बार हो गया, रेशियो बराबर हो गया। तो मतलब वो छोटी संख्या क्या है, तो आप कहोगे 4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम x की वैल्यू रख दें, y का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना 12 इज टू वाई, वाई इज टू 8 में 4 का मल्टीप्लाई में 32, 32 में से 5 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 27, तो y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 12 इंटू 27, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 के 9 दुना 18, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा बी, ऑप्शन कौन सा बी। बातें क्लियर है, कोई डाउट? अगर आपको इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करना तो वैसे भी देख लीजिए, अगर बेसिक तरीके से देखना तो वैसे भी करके देख लीजिए। देखिए अब हम क्या करें, 11 प्लस एक्स अपान 14 प्लस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 31 प्लस एक्स अपान 38 प्लस एक्स। अब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 का 11 बटे 88, 8 11 तीन 33 और 8 कितना 41 प्लस 38 एक्स, और फिर एक्स का मल्टीप्लाई 11 एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ आप देखो 14 एकम 14 के 4 एक 14 यहाँ 42 और 42 एक 43,
14x फिर 31x और प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर कैंसिल हो गया तो देखो यहाँ आ जाएगा 481 प्लस 49x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 57 ये हो जाएगा 434 प्लस ये हो जाएगा 45x। ठीक, अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 18 2 20 16, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब 4 यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो यही चीज़ को हमने डायरेक्ट मतलब एजम्पशन से डायरेक्ट कर दिया कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बातें क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं? तो आप चाहें तो ऐसे कर लें, नहीं तो अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो नंबर देख के बातें समझ में आ जाएंगी। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा व्हेन के ग्रेटर देन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 11, 15, 20 and 30 द नंबर्स सो ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन द प्रपोर्सन वाट इज द मीन प्रपोर्सन बिटवीन 2k+2 and 3k². यहाँ पे हमें मीन प्रपोर्सन निकालने हैं, तो पहले तो हमें वो नंबर ढूंढने हैं ना कि कौन सा नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो देखो कुछ दिमाग लगता है, 11, 15, 20, 30, 1, 2, 5। अगर इसमें से देखो 5 माइनस करो तो यहाँ से क्या 11 में से 5 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, 15 में से 5 माइनस करोगे 10 आ जाएगा बराबर, 20 में से 5 माइनस करोगे 15 आ जाएगा और 30 में से 5 करोगे तो ये 25 आ जाएगा। अब यहाँ देखो इसे सिंप्लीफाई करो तो किससे होगा, तो आप कहोगे 2 से ये 3 बार में और ये 2 से 5 बार में, ये देखो 3 से 5 बार में, सॉरी 5 से 3 बार में ना, ये 5 से 3 बार में और ये 5 से 5 बार में, दोनों बराबर हो गए। तो मतलब इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना, 5, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे k की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, आ गई। अब हमें निकालना मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो आप कहोगे कि अंडर रूट में ए बी। ठीक, तो पहले हम ए और बी तो निकाल लें। अब देखो अगर 5 यहाँ पर रखें तो 5 दूना 10 में 2 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25 में 3 का मल्टीप्लाएंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम रख देते हैं तो आप कहोगे 12 into 75। अब आपस में मल्टीप्लाई हुआ कितना आएगा 900 और 900 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो आप कहोगे 30। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल कितना आएगा, तो आप कहोगे 30, ऑप्शन कौन सा डी। बातें क्लियर है, कोई डाउट, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर आउट ऑफ हरीश मंथली सैलरी ऑफ द रुपीज 45,000 1/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर आर ऑन द एजुकेशन एंड 2/6 ऑफ द एक्सपेंडिचर आर ऑन फूड एंड अदर नेसेसिटीज द रेस्ट ऑफ द सैलरी गोज टूवर्ड हिज सेविंग द अमाउंट ऑफ सेविंग इच, मतलब उसकी सेविंग कितनी हो रही है। देखो अब वह वन जितनी सैलरी उसका 1/3 वह किस पे खर्च कर रहा है, तो आप कहोगे एजुकेशन पे। और 2/6 का मतलब क्या, अगर इसे सिंपलीफाई करो तो लिखोगे क्या 1/3 ही है, तो मतलब 1/3 वह किस पे खर्च कर रहा है, फूड और अदर पे। ठीक,
तो अगर मैं पूछूं कि उसका टोटल खर्च कितना है तो आप कहोगे 2/3। मतलब अगर वह 3 रुपये कमा रहा है तो उसमें 2 रुपये खर्च कर रहा है तो बचा कितना? 1। अगर वह 3 रुपये कमा रहा है तो उसमें 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना है? 1। और कह रहा है इसी 3 की वैल्यू आपको दे रखी, इसी 3 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे 45,000। 45,000 उसकी सैलरी है, तो यह इसका कितना गुना गुना? तो आपको 15,000 से मल्टीप्लाई है, तो इसमें भी 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 30,000। इसमें भी 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 15,000। मतलब 45,000 रुपये वो कमा रहा है, उसमें से 30,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहेगा? 15,000 रुपये। कितनी सेविंग उसकी है? 15,000। तो ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है और दूसरा भाग पहले का 3/2 है। तो कह रहा है तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश? देखो, अगर हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया रस्सी कितनी 1 है, मान लो टोटल रस्सी कितनी है 1 है। पहले पार्ट की बात करा तो करा इसका 1/5, मतलब पहला पार्ट 1/5 होगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो कह रहा है कि पहले का 3/2, मतलब 1/5 का 3/2 है, तो 1/5 × 3/2 यहाँ से निकल के आ जाएगा 3/10। कितना आएगा? 3/10। अगर रस्सी 1 है उसमें से पहला भाग कितना 1/5 और दूसरा कितना 3/10, अगर दोनों को माइनस कर दें तो हमें थर्ड पार्ट मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व कर दो, एलसीएम कितना आएगा? 10। अब यहाँ जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर में कितना होता है? 1। 1 से 10 को डिवाइड करोगे ये 10 हो जाएगा, माइनस ये 2 माइनस ये 3। अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/10 वैल्यू कितने? 1/2। ऑप्शन कौन सा? डी। थर्ड पार्ट की लंबाई कितनी है? 1/2 है। बातें क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर एक खेल में राजेश ने खेल के पहले दौर में अपने पैसे का 1/3 खो दिया। मतलब अगर राजेश के पास 3 रुपये थे उसमें से 1 रुपये उन्होंने खो दिया तो बचे कितने हैं? 2। करा दूसरे दौर में अपने शेष जितना बचा था उसका 3/5 खो दिया। मतलब दूसरे दौर में अगर उनके पास 5 थे तो उसमें से 3 खो दिए तो अब कितने बचे? 2। करा तीसरे दौर में उसने शेष पैसे का 4/7 खो दिया। मतलब अगर 7 था तो उसमें से 4 खो दिए तो बचे कितने? 3। यही उनका रेशियो है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि उनके पास मूल धनराशि का कितना भाग बचा, इसे सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो अगर रेशियो के इधर उधर जो है अगर कट रहे हैं तो काट दो। देखो 3 से 3 कैंसिल और 5 × 7 = 35 और 2 × 2 = 4। कितना? 4/35, 4/35 रुपये उनके पास अभी क्या है? बचा हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन कौन सा? ए। मतलब जितना रुपया था उसमें से 4/35 रुपये उनके पास अभी बचे हुए हैं। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा इफ x/y = 4/5 देन 5x + 7y / 5x - 7y + 6x + 4y - 7x - 8y = यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है और इसे सॉल्व करना। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? तो आप कहोगे 4 और 5, y की वैल्यू कितनी है? 5। पुट कर दो तो 4 × 5 = 20 और 7 × 5 = 35 कितना हो जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 55/5। नीचे 4 × 5 = 20 और 7 × 5 = 35
यहाँ से माइनस कितना आ जाएगा, तो आपको होगा माइनस 15 प्लस 6 चौको 24 और 5 चौको 20, मतलब ये 44 हो जाएगा अपान 7 चौको 28, 8 पच्चे 40, यहाँ से आ जाएगा 12, माइनस का 12। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भी माइनस हटा देता हूँ, यहाँ से भी ये प्लस हट जाएगा, यहाँ बन जाएगा माइनस और ये भी माइनस। साइन सेम होते हैं, नंबर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। साइन सेम होते हैं, नंबर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो आपको होगा 60। 15 से इसको डिवाइड करो कितने, 4 बार में, और 4 में इसका मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 220 माइनस। इससे इसको डिवाइड करोगे 5 बार में, 5 से 4 44 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से भी आ जाएगा 220, आ जाएगा माइनस 440 अपॉन 60। 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल होगा 2 से 3 बार में, ये 2 से 22 बार में, वैल्यू आ जाएगा माइनस 22/3। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, कोई डाउट, आगे चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा 30 अंकों की गणित की परीक्षा में कक्षा ए के 40 छात्रों का औसत अंक 23 है, उसी परीक्षा में कक्षा बी के 45 छात्रों का औसत अंक 22 है, दोनों कक्षाओं के औसत अंकों का एक कक्षा के औसत अंकों का अनुपात पूछा। मतलब हमसे टोटल स्टूडेंट के औसत का रेशियो और एक क्लास ए के औसत का रेशियो पूछा है। देखो तो क्लास ए में कितने 40 है, उनका अंक कितना है 23, 23 चौक का आपको 92 92 प्लस, और यहाँ पे कितने हैं 45 दूना 90 990, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 40 और 45 कितने हो जाएंगे, तो आपको होगी 85 ठीक। अब यहाँ से इनका सम कर लो, ये हो जाएगा 0 9 2 11 और 9 9 18 19 बटे 85 ठीक। और क्लास ए का रेशियो कितना दे रखा है, तो आपको होगा 23 ठीक। अब देखो 5 से कैंसिल होगा ये 17 बार में, ये 5 से कैंसिल, 5 3 15 कितना बचा, तो आप कहोगे 4, 41 5 बटे 40 कितना बचा 2 नहीं 1, तो ये हो जाएगा 10 5 दूना 10 382। अब देखो 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 51 5, 17 दूना 34 और 5 39, तो आएगा 382:391। ऑप्शन कौन सा, ए। 382:391, तो ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलें अगला क्वेश्चन देखिए। करा एक कॉलेज में यदि 15% लड़कों की संख्या एक तिहाई लड़कियों के बराबर है, तो कॉलेज में लड़के लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या। देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं 15% को फ्रैक्शन में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 3/20। ये बॉयज हैं, गर्ल्स क्या बात करें तो गर्ल्स क्या 1/3, आपस में बराबर है, मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 9:20, क्या आ जाएगा 9:20। लेकिन हमसे क्या पूछा, लड़कों की ना, तो लड़कों की क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 20:9। ऑप्शन कौन सा, सी, 20:9। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रही है तो समझ लीजिए फिर से, देखिए होगा क्या, अब ये बॉय है ना, ये 3/20 इक्वल टू 1/3 गर्ल, बी अपान जी हो जाएगा यहाँ पे, और 20 इधर जाएगा, और ये दोनों कहाँ जाएंगे, 9 यहाँ पे आ जाएगा, इसे लिखेंगे क्या 20:9। ऑप्शन कौन सा,
सी। क्लियर, यही बात हमने डायरेक्ट कर दी। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि दो संख्याएं दो और तीन के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो यह बड़ी संख्या के 10% और 25 के बराबर होगा, तो छोटी संख्या क्या है? देखो, कह रहा है दो संख्याएं, अब मान लो छोटी संख्या क्या 2x है, 2x का 20% 20/100 में 20 ऐड कर दे, बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या 3x × 10/100 +25 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही कह रहा है। अब देखो, यहाँ से हम 0 1 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4x/10 +20, यहाँ हो जाएगा 3x/10 +25। ठीक, अब 3x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x/10 और ये उधर जाएगा -5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 50 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है? 2x है, तो 2 में x की वैल्यू मल्टीप्लाई कर तो कितना जाएगा? 100। मतलब छोटी वैल्यू कितनी है? ए। तो ऑप्शन कौन सा छोटी वैल्यू? सॉरी, सब है, तो ऑप्शन ए। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की सीटें 7:8:9 के रेशियो में है। सीटों को क्रमशः 30%, 40%, 50% बढ़ाने का प्रस्ताव, तो बढ़ी हुई सीटों का रेशियो हमसे पूछ रहा है। देखो, पहले सीटें कितनी थी, क्या था रेशियो? 7, 8 और 9 का। कह रहा है 30% ये बढ़ रहे थे, 130/100, ये क्या कितनी बढ़े? 40/100 और ये हो जाएगा 150/100। ठीक, अब देखो ये वाला 0 यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, और रेशियो में है तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 13 7 91, 14 8 112, 15 9 135, 91/112/135, ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, ए गेट्स 1/3 ऑफ द अमाउंट, बी गेट्स थ्राइस एज मच एज व्हाट सी गेट्स, एंड सी गेट्स रुपीज 1200 लेस देन व्हाट ए गेट, फाइंड द शेयर ऑफ ए। हमसे ए का शेयर पूछ रहा है। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। देखो ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक, क्लियर। कह रहा है कि ए को जो टोटल अमाउंट है उसका 1/3 मिला, अगर मैं कहूँ टोटल अमाउंट 3 है उसमें से एक जो है ए को मिल जा रहा है, तो बचा भी कितना? तो आप कहोगे 2। अब जो 2 है वह बी और सी में डिवाइड हो रहा है, और बी और सी में अगर डिवाइड हो रहा है तो देखो बी और सी का क्या सिस्टम है, तो कह रहा बी को जो मिल रहा है ना वह सी का 3 times है। अगर 3 को x मिल रहा है तो ये हो जाएगा 3x। ठीक, तो अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं x हटा दूं, एक सेकंड छोड़ो, अगर इसको 1 मिल रहा है तो इसको क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर इनका हम सम करें तो कितना होगा? 4। मतलब इस
टू की वैल्यू फोर आ रही है, इस टू की वैल्यू क्या आ रही है, फोर आ रही है। अगर टू की वैल्यू फोर आ रही तो वन की कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे टू। मतलब अगर देखा जाए तो ये ए कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू। मतलब अब देखो टू थ्री वन का रेशियो बन गया, क्या बन गया, टू थ्री वन का रेशियो बन गया। अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही तो फिर से देखो मेरी बात, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि जो अमाउंट टोटल है उसका वन थर्ड किसको मिला, ए को मिला। तो मैं कह रहा हूँ मान लो टोटल अमाउंट थ्री यूनिट है, उसमें से एक यूनिट किसको मिल जा रही, ए को मिल जा रही है, ए को मिल जा रही है। तो बच कितनी रही है, टू यूनिट बच रही है, क्या बच रही है, टू यूनिट। अब इस टू यूनिट को बी और सी में बांटा जा रहा है, तो इसमें यह है कि जितना अमाउंट सी को मिलेगा उसका थ्री टाइम्स, जितना अमाउंट सी को मिलेगा उसका थ्री टाइम्स बी को मिलेगा। अगर मैं कहूँ मान लो इसमें से टू में से अगर एक यूनिट, मतलब एक यूनिट नहीं एक पार्ट इसको अगर मिल रहा तो मतलब थ्री पार्ट इसको मिलेगा। तो अगर इसका सम करोगे तो कितना हो जाएगा, फोर। मतलब टू की वैल्यू कितनी है, फोर है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे टू। अगर टू यूनिट की वैल्यू फोर है तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगा, टू। तो मतलब इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। अब रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या, टू इज टू थ्री इज टू वन। अब कह रहा है ए सी को जो रुपए मिल रहा है ना वह ए से 1200 कम है, मतलब इनका डिफरेंस कितने का, 1200 का है। तो हमसे पूछ रहा है ए का शेयर, अगर एक की वैल्यू 1200 है तो दो की कितनी हो जाएगी, 2400। दो की कितनी हो जाएगी, 2400। मतलब सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी का कितना है, तो आप कहोगे 2400। ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। मतलब ए को कितना मिल रहा है, 2400 रुपये मिल रहा है। अगर हमसे बी पूछ लेता तो 3600 होता, अगर हमसे सी पूछ लेता तो 1200 होता, लेकिन हमसे पूछा क्या, ए पूछा है, तो ए को कितना मिल रहा है, 2400 मिल रहा है। बातें क्लियर है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर तीन कारों की गति 5:6:10 के अनुपात में, उनमें से प्रत्येक द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय अनुपात क्या। देखो टाइम का रेशियो हमेशा स्पीड के रेशियो के इन्वर्स होता है, या कह लें स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का हमेशा क्या होता है, इन्वर्स होता है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, जैसे देखो अगर मैं कहूँ मान लो स्पीड की रेशियो, मैं कह रहा हूँ मान लो कार जो है अगर कोई एक निश्चित दूरी है अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है, तो हम कह रहे हैं मान लो 5 घंटे में तय की, 5 घंटे में तय, वही दूरी अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाएगी तो कितना लगेगा, तो देखो 60 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ना 300 किलोमीटर दूरी तय कर रही, अगर ये 300 किलोमीटर दूरी तय करेगी तो अब इसे क्या लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। ये रेशियो किसका है, टाइम का। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अब अगर इनके रेशियो की बात करें तो यहाँ देखो स्पीड की रेशियो क्या, 6:5, टाइम का रेशियो क्या, 5:6। मतलब अगर डिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो हमेशा स्पीड के रेशियो के इनवर्स होता है, या ये कह लें कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के क्या होता है, इनवर्स होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें स्पीड का रेशियो दे रखा, हमसे पूछा टाइम का, तो इसका इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स क्या हो, 1/5, 1/6 और 1/10। अगर इनका रेशियो निकालना है तो एलसीएम कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 6:5:3। कोई ऑप्शन दे रखा है, नहीं। चलो अब ये देखो, हमारा तो आया 6:5:3, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो ऑप्शन डी इसका मल्टीपल है,
ऑप्शन डी इसका मल्टीपल है। देखो अगर पूरे रेशियो में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 12, 10 और 6। देखो ऑप्शन डी यही दे रखा है। तो रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या आप डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात दोनों क्या है, बराबर है। बातें क्लियर है, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो। करेक्ट, यदि किसी आयत की लंबाई और परिधि का अनुपात 3:20 है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और परिधि का अनुपात 3:20 है। तो अगर हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करें तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो आपको 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक। अब कितना दे रखा है 20x, अब देखो 2 लेंथ कितनी दे रखी है 3x प्लस बी इक्वल टू 20x। अब देखो 2 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 10x और बी बराबर आ जाएगा 3x, उधर जाएगा माइनस होगा 7x। तो हमसे किसका पूछा, लेंथ और ब्रेथ का, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3:7। ऑप्शन कौन सा, ए, ऑप्शन ए। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलें अगला क्वेश्चन देखो। कर 3 धनात्मक संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यदि संख्या 3, 7 और 8 के अनुपात में है तो उनके वर्ग का योग, देखो अगर उनके स्क्वायर की सम की बात करें तो देखो 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको 9x स्क्वायर, 7x का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, तो आपको 49x स्क्वायर, और 8x का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, तो आपको 64x स्क्वायर, ठीक। अब तीनों का सम करें तो कितना हो जाएगा 64, 50 जोड़ दें तो 114, 13, 9, 22, 122x स्क्वायर, इसी की वैल्यू कितना 7808 दे रखा, ठीक। अब इसे सिंपलीफाई करें, देखो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 61 और 2 से एक कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 3904, कितनी बार में 6 6 के 36, ये 6 हो जाएगा 4, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो हमसे सबसे छोटा नंबर पूछा, तो सबसे छोटा नंबर क्या 3, तो 3 में x का मल्टीप्लाई करो 3 × 8 कितना होगा 24। ऑप्शन कौन सा बी, ऑप्शन कौन सा बी। बातें क्लियर, कोई डाउट, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।